वैसे तो सोशल मीडिया पे आती नहीं हूँ, ये मेरा फर्स्ट वीडियो है। मैं आप लोगों से एक बात कहना चाहती हूँ, बर्मा में औरतों को जला दिया जा रहा है, टैग पहना के बीच चौराहे पे जला दिया जा रहा है, मर्द को काट दिया जा रहा है, जिस तरह कोई जानवर को काटता है इस तरह काट दिया जा रहा है, बच्चों को दफना दिया जा रहा है। देवा ठाकुर का कहना देखिए क्या है, देवा ठाकुर कहती है कि इन लोग भारत में रह नहीं सकते हैं, भारत से निकाल के फेंको। देवा ठाकुर सुप्रीम कोर्ट नहीं, देवा ठाकुर कोई कोर्ट नहीं है, कोई मंत्री नहीं है, कोई पीएम नहीं है, कोई कुछ नहीं है। देवा ठाकुर वो मुस्लिम लोगों के बीच में हमेशा बोलती रहती है, मुस्लिम ये है मुस्लिम वो है, हमेशा कोई ना कोई नया टॉपिक लाते रहती है देवा ठाकुर। मैं देवा ठाकुर से ये कहना चाहती हूँ, देवा ठाकुर को किसने हक दिया है, किसने हक दिया है भारत में कौन रह सकता है कौन नहीं रह सकता है? सारा फैसला देवा ठाकुर करेगी तो सुप्रीम कोर्ट क्या करेगा? सारा लेक्चर यही दिखा देगी। तो मैं यही पूछना चाहती हूँ, वहां पे मार दिया जा रहा है, जला दिया जा रहा है, काट दिया जा रहा है, बच्चे को छोटे छोटे मासूम बच्चे को जला दिया जा रहा है। वो कहते हैं से छोटे से 7 साल के बच्चे टेररिस्ट है, 5 साल के बच्चे टेररिस्ट है, 2 साल के बच्चे टेररिस्ट है, अभी माँ का दूध पीना नहीं सीखे वो टेररिस्ट है। देव ठाकुर की बुद्धि नहीं है, दिमाग नहीं है उसका, समझ में नहीं आता उसको क्या बोलती रहती है। वो उन लोगों के साथ जुल्म हो रहा है, मारा जा रहा है, साफ उनकी आंख लोग उसके आंख के सामने भाई बहन मारे जा रहे हैं, तब भी देवा ठाकुर बोलती टेररिस्ट है, वो लोग टेररिस्ट का साथ देती है देवा ठाकुर, क्योंकि देवा ठाकुर टू टेररिस्ट है, उसलिए टेररिस्ट का साथ देती है। कोई टू सुप्रीम कोर्ट नहीं है, हमारे संविधान में क्या लिखा हुआ है तुझे बताऊं देवा ठाकुर? बताती हूँ, हमारे संविधान में लिखा हुआ है अगर दूसरे देश से आ रहा है कोई उसे निकाला नहीं जा सकता, उसके दूसरे देश में अगर जान की खतरा है नहीं निकाला जा सकता उसको, ये संविधान में लिखा है। अगर हमारा सुप्रीम कोर्ट कहता है कि फौजी नहीं रहेंगे यहाँ पे, एक रास्ता बंद हो जाएगा, भारत हमारा बंद हो जाएगा, मलेशिया खुला है, तुर्किस्तान खुला है, बहुत सी ऐसी जगह जो खुला है, तुझे पता है देवा ठाकुर तू न किसी की माँ है, न किसी की बहन है, न किसी की बीवी है, न तेरे बच्चे हैं, तू किस तरह दर्द जानेगी किसी का, तू कैसे किसी का दर्द जानेगी? नहीं जानेगी देवा ठाकुर। तू पता है तू किस टाइप की औरत है? कॉलगर है। तू कैसी औरत है मालूम है? धंधा करने वाली औरत, क्या जानेगी किसी के दर्द? नहीं जानेगी। तू अगर साधु संत होती, टैटू बना रखा है टॉयलेट में, ड्रेसअप क्या देखती कैसा है, दुबई क्या करने जाती है? मुस्लिम से इतना नफरत है तो मुस्लिम को क्यों बॉयफ्रेंड बनाया तूने? बहुत से ऑप्शन उठती है तेरे पे। तू सोचती है मुसलमान बकरे के जैसा हलाल होते जाए, जानवर के जैसा कोई मार दे उसको, जो चाहे वो कर दे, तू ये चाहती है? हिंदू मुस्लिम भाइयों में लड़ाना चाहती है? हिंदू मुस्लिम भाई कभी नहीं लड़ेंगे, तेरे दिमाग से हिंदू मुस्लिम भाई लड़ते ना तो कब का क्या भारत में हो गया रहता? अरे तेरा जन्म भी नहीं हुआ होगा जब 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 यहाँ पे जब वो हो रहा था, पता क्या हो रहा था मालूम है तुझे? देश जब आजाद हो रहा था कौन कौन शहीद हुआ तुझे ये भी नहीं मालूम है? मुसलमान का टेररिस्ट बोलती है तू? बता इंदिरा गांधी जी को मारने वाला क्या मुसलमान टेररिस्ट था? हमारे बापू जी को मारने वाला, गांधी जी को मारने वाला क्या मुसलमान टेररिस्ट था? राम रहीम क्या मुसलमान है? देवा ठाकुर तू बुद्ध वहां के टेररिस्ट बुद्ध उससे तू मिली हुई है, टेररिस्ट से मिली हुई, टेररिस्ट का सपोर्ट ले रही है, इंसान कट रहे तुझे थोड़ा से भी तुझे शर्म नहीं आता, दिल में दर्द नहीं है तुझे? कैसी औरत है तू? तू औरत है ही नहीं, प्रकृति कहेंगे अपना चेहरा, तेरा चेहरा देख के डर जाए, तेरा चेहरा देख के भी डर जाएगा शीशा, हिजड़ी जैसे तो दिखती है तू, मुसलमान के बारे में बोलती है तू, कुछ उल्टे से मुसलमान के बारे में कहती है, मेरे सामने आ जाए उंगली मुसलमान से खाती है, उंगली तोड़ के तेरा हाथ में दे दू, जबान काट के तेरा पूरा शहर बाजार में घुमा दू, तेरा सर गंजा करके दही डाल के जंगली कुत्ते को डाल दू। तुझे लड़ना है ना देवा ठाकुर मुसलमान से, सिर्फ मिक्स से टकरा के देख, टेररिस्ट को लेके मत आना अपने साथ अकेले, दो हाथ कर ले मेरे से कौन जीतता है,
तेरे रगों में खून है तो मेरे भी रगों में खून है गंजी। मुसलमान को बोलती है उल्टा सीधा, हिंदू और मुसलमान भाई को लड़ाती है। अरे सुन, जहां मैं रहती हूँ ना वहां इतने मंदिर है, यहाँ पे गिनना गिनती भूल जाएगी तू, गिनते गिनते गिनती भूल जाएगी। मेरे भी दोस्त है, मेरी भी दोस्त है जो साधु संत है, मुसलमान के बारे में कभी भी अल्फाज नहीं निकालती, हमारे साथ बैठ के खाना खाती है, ईद में आती है, हर चीज में आती है, मैं भी उसकी सरस्वती पूजा में हर चीज में जाती हूँ, समझी। तुझे क्या मालूम है, तुम मुसलमान भाई को लड़ाना चाहती है, तू तेरे लड़ाने से कुछ नहीं होगा, इतनी तू साधु संख होती, पूरे टैटू टैटू पूरे बॉडी में टैटू डाल रखी है, तेरे चेहरे से लगता है कितनी तू खराब औरत है। तू चाहती है कि मुसलमान हिंदू कट के मर जाए, ऐसा नहीं होगा, तेरा बाप का दिया हुआ भारत है, तेरा अकेला भारत है, तेरा बाप के बरात में आई है, तेरा बाप बरात में दिया है भारत, भारत हमारा भी है, ज्यादा नहीं बोलने का, समझी, ज्यादा नहीं बोलने का, औकात में रहने का, समझ में आया तुझे, दूसरे लैंग्वेज से तुझे समझाऊं, भारत सबका है, तेरा नहीं, उसका संविधान निकालने वाला पता है सुप्रीम कोर्ट।